नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जी के विषय में। आज हम उसका भाग 5 बनाने जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है इस बात का कि अश्वत्थामा जी के विषय में इतने विस्तार से महाभारत में वर्णन है और उनके विषय में हमें ना किसी टीवी सीरियल में दिखाया गया, ना हमने कहीं कथाओं में सुना। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है, पर ऐसा क्यों है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मूल ग्रंथ में अश्वत्थामा जी पूरी महाभारत में अश्वत्थामा जी की वीर गाथाओं से पूरी महाभारत भरी पड़ी हुई है। वो एक ऐसे महान ऐसे व्यक्ति थे कि गुरु परशुराम जी के बाद, द्रोणाचार्य जी के बाद, कृपाचार्य के बाद एकमात्र ब्राह्मण थे जो सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारी थे, जो शस्त्र लेके युद्ध क्षेत्र में उतरे। वो एक ऐसे ब्राह्मण थे और वो अमर भी हैं। दोस्तों, हमने लास्ट कथा में आपको बताया था कि द्रोणाचार्य जी का किस तरह से वध हुआ, अश्वत्थामा जी ने किस तरह से नारायण और अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, पांडवों को कैसे मुक्की खानी पड़ी, बाद में भगवान शिव की कृपा से अर्जुन ने उस युद्ध को जीता। उसके पश्चात महाभारत का युद्ध आगे बढ़ता जाता है। दुर्योधन, अश्वत्थामा जी जो कि वो गुरु के पुत्र थे, तो दुर्योधन हमेशा उन पर इतना विश्वास करता था कि जब भी सेनापति नियुक्त होता था तो हमेशा अश्वत्थामा जी का परामर्श जरूर लेता था। तो सबसे पहले उसने कर्ण को प्रस्ताव दिया कि भैया आप कर्ण को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दीजिए। जब सेनापति के पद पर कर्ण नियुक्त हो गया, उसके बाद युद्ध और भी आगे चला। कई योद्धा मारे गए, कुछ पांडवों के योद्धा मरे, कुछ कौरवों के योद्धा मरे, बहुत घमासान युद्ध चलता रहा। युद्ध बीता जाता है, एक बार फिर अश्वत्थामा जी रुद्र अवतार बन के बिल्कुल मैदान में उतर जाते हैं, फिर युद्ध आरंभ होता है। फिर भीमसेन ने वही गलती करी, भीमसेन फिर जाकर के उससे लड़ने जाता है और बहुत भयानक युद्ध होता है। फिर भीमसेन मूर्छित हो जाता है, उस मूर्छा होने पर फिर अर्जुन से युद्ध करने आता है। अर्जुन युद्ध करने आता है, तब इतने खतरनाक तरीके से अश्वत्थामा जी युद्ध करते कि अर्जुन को कई जगह, जब युद्ध करते करते अर्जुन इतना डर जाता है कि वो अपनी बात कह नहीं पाता और उसके हाथ से गांडीव गिरने लगता है। ये बात महाभारत के उस मूल ग्रंथ में मुझे पता चला कि इतना बड़ा महाभारत की घटना घटी और आज तक लोगों को पता नहीं कि अर्जुन उस वक्त किस स्थिति में रहा होगा। अर्जुन का गांडीव गिरने लगता है। अर्जुन उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, क्यों अपना गांडीव गिरा रहे हो, अर्जुन उसके साथ युद्ध करो। युद्ध करता है, जैसे तैसे करके भगवान श्री कृष्ण उसको बचा लेती हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अश्वत्थामा से कैसे जीत सकता हूँ, अश्वत्थामा जी गुरु पुत्र हैं, मेरे से ज़्यादा निपुण शास्त्र में निपुण मुझे प्रतीत होते हैं। तो भगवान कृष्ण गुस्से में लाल होकर फिर उसको अर्जुन को बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे योद्धा होगी, अश्वत्थामा जी का सामना नहीं कर पा रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, युद्ध करो। लड़ाई होती है, जैसे तैसे करके वो इस युद्ध को शंखनाद हो जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे अपनी कृपा से अर्जुन को बचाना, अश्वत्थामा जी को बहुत दुख होता है कि मैं आज अर्जुन को नहीं हरा पाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ रहते हैं। फिर अगली बार फिर से युद्ध शुरू होता है, अश्वत्थामा जी का युधिष्ठिर संग युद्ध होता है। युधिष्ठिर भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं और उनको भी हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अश्वत्थामा जी के सामने टिकना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाद में युधिष्ठिर उस रणक्षेत्र से चले जाते हैं। इसके पश्चात फिर से अर्जुन रणक्षेत्र में उतरता है, फिर वो अश्वत्थामा जी की तेज के आगे टिक नहीं पा रहे। बार बार कह रहे अश्वत्थामा जी की तेज के आगे टिकना हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है, उनके अंदर तेज और क्रांति इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि हम लोग उससे टिक नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण गुस्से में लाल होकर के बार बार उससे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे योद्धा हो, क्यों सामना नहीं कर पा रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्वयं महादेव तुम्हारे साथ हैं, तो क्यों तुम युद्ध नहीं कर पा रहे। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अश्वत्थामा जी पर युद्ध करते हैं, घमासान भयानक युद्ध होता है, बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं। लेकिन फिर भगवान कृष्ण की कृपा से अश्वत्थामा जी से वो बच जाते हैं। इस कथा का वर्णन दोस्तों कर्ण पर्व के अंदर है। इसके बारे में, इस पूरी कथा महाभारत के युद्ध में बहुत विस्तार से इस बात का वर्णन है। तो इसको आप चाहो तो महाभारत में आप इस कथा को पढ़ सकते हैं बहुत विस्तार से, जो आपको कहीं किसी अध्याय में नहीं मिलेगी, कि अश्वत्थामा जी की वीरता का जो वर्णन है, जो महाभारत में इतने अच्छे से डिफाइन करके बताया गया है, वो शायद ही कहीं किसी जगह बताया गया हो। और पूरे युद्ध में दृष्टद्युम्न को मारने के लिए अश्वत्थामा हमेशा आगे रहे कि दृष्टद्युम्न को मैं मृत्यु दूंगा, क्योंकि उसने मेरे पिता का वध किया है, मेरे पिता का बहुत निर्ममता से हत्या की है, मतलब हत्या का क्या, उनके मृत होने के बाद भी उनका सर काटा। इस बात को लेकर अश्वत्थामा जी जब भी
उनको दुष्यंत को मारने आते तो अर्जुन हमेशा उनके बीच में आ जाता, फिर अर्जुन की हार होती और अर्जुन उनसे डरता, उसके भगवान श्री कृष्ण फिर उस अर्जुन की जब जान पे बन आती तो भगवान श्री कृष्ण उसको बचाते। ये कर्म चलता रहा बहुत समय तक, मतलब जो जिस दिन 18 जी अपने युद्ध चलता रहा। फिर समय बीतता गया, बाद में दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा जी ने प्रस्ताव रखा कि पांडवों से संधि कर लो, युद्ध समाप्त करो, बहुत नरसंहार हो चुका है, बहुत बर्बादी हो चुकी है, मैं भी नहीं चाहता कि अब युद्ध आगे बढ़े। पर दुर्योधन ने कहा सही है, ठीक है, मैं मानता हूँ भगवान कृष्ण उसके साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास तुम जैसे योद्धा हो तो हम क्यों उनसे डरें। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से फिर बात से सहमत नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मैं उनसे संधि नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने द्रौपदी का भी अपमान किया, मैंने उनसे जो अपमानजनक व्यवहार किया, पांडव मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे इस बात के लिए, उनसे क्षमा मांग के संधि करके मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता, या मैं हार स्वीकार करूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, या तो युद्ध करूँगा, युद्ध करने में मेरी भलाई है, संधि करने में मेरी कायरता सिद्ध होगी। इस तरह से अश्वत्थामा जी को बोल के उन्होंने युद्ध को आगे बढ़ाया। फिर समय बीतता जाता है, कर्ण का युद्ध होता है, उनसे काफ़ी योद्धा मारे जाते हैं, घटोत्कची मारा जाता है, सब कुछ मारे जाते हैं। फिर उसके बाद जब कर्ण का युद्ध अर्जुन से होता है तो अर्जुन पर कर्ण बहुत भारी पड़ता है, कर्ण अर्जुन पर सर्प बाण से प्रहार करते हैं और श्री कृष्ण उसकी सर्प बाण से उसकी रक्षा करते हैं। उस समय तो अर्जुन जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन कर्ण का पहिया किसी तरह से उसका रथ का पहिया जो है जमीन में धंस जाता है और रथ का पहिया निकाले के नीचे उतरता है। लेकिन अर्जुन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कर्ण को मारने के लिए तुम ब्रह्मास्त्र का आह्वान करो। तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र का आह्वान बहुत ज़्यादा भयानक होता है। एक कर्ण को मारने के लिए उन्हें ब्रह्मास्त्र का आह्वान करवाया, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान भी किया। ब्रह्मास्त्र आते ही जब वो अपना रथ निकाल रहा होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसको सर उड़ा दो, नहीं तो तुमसे जीत नहीं सकते। बातों में आ जाता है और बार बार उसको द्रौपदी के बारे में बताते हैं, किसके दूत कीड़ा हुई, दुर्योधन का मित्र है, तुम्हारे साथ ये व्यवहार हुआ, तुम्हारे साथ वो व्यवहार हुआ, ऐसे तरह के बातें बोल के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब तो बाण चला के इसका वध करो, नहीं तो तुम इससे जीत नहीं सकते, कर्ण से तुम्हें ये करना पड़ेगा। फिर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और कर्ण का सर धड़ से अलग हो गया। ये सोच कर फिर बाद में बहुत दुखी हुआ दुर्योधन, जब कर्ण का वध होने के बाद फिर शकुनी का वध हुआ और धीरे धीरे पूरी कौरव सेना धीरे धीरे खत्म होने लगी, साथ विच्छेद होने लगी। फिर अश्वत्थामा जी ने महाराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया, जो अभी तक कर्ण के सारथी थे। शल्य के सारथी बनने के बाद में युद्ध के दौरान शल्य का भी वध हो गया, आखिरी में कोई सेनापति नहीं बचा। दुर्योधन बहुत दुखी हो गया, दुखी होने के बाद, क्योंकि उसकी सेना छत विच्छित हो चुकी थी, वो जाकर के उसने जल में जाकर के अपने गदा और अपने शरीर को लेकर जल में जाकर बैठ गया। पांडवों ने पूरी कौरवों की सेना लगभग ख़त्म कर दी थी, पांडव जीत ही गए थे। उसके बाद दुर्योधन अपनी माया शक्ति से जल के अंदर चला जाता है और कुछ देर के लिए वहाँ तपस्या करने बैठ जाता है। अश्वत्थामा जी, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों जाकर के दुर्योधन को ढूंढते हैं कि दुर्योधन कहाँ चला गया युद्ध स्थल से। जब उनको पता चलता है कि वो जल के अंदर है, उसको देखते हैं और कहते हैं अभी दुर्योधन जिंदा है, अभी दुर्योधन है, अभी इसको युद्ध करने दो। अश्वत्थामा जी उस दुर्योधन के उस कार्य में उसके बीच में टोकते नहीं है कि जल में क्यों चला। उसके बाद जब कृष्ण और सब लोग पहुँचते हैं, युधिष्ठिर उसको ललकारता है कि दुर्योधन बाहर निकलो, आज हम तुमसे युद्ध करने आए हैं, तुम क्यों उसमें छुप गए हो। दुर्योधन कहता है मैं छुपा नहीं हूँ तुमको। तो दुर्योधन ने कहा भी कि अब तुमने सारी सेना मेरी हार चुकी है, मैं थक चुका हूँ, मैं अब जल में रहना चाहता हूँ अपनी माया से, तुम मेरे को अकेला छोड़ दो। तो युधिष्ठिर उसको ललकारता है कि तुम क्षत्रिय हो, हमसे युद्ध करो, बिना युद्ध करे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, और दान में ली हुई चीज़ मैं स्वीकार नहीं करूँगा, मैं तुमको मारूँगा। तो दुर्योधन बाहर आता है तो उसने कहा कि उन्हें प्रस्ताव लिया कि तुम अपना शस्त्र चुन लो, हमसे युद्ध करो कि हम में से, क्योंकि मैं अकेला ही बचाऊँ। दुर्योधन कहता है कि मैं अकेला बचाऊँ, मैं तुम लोगों से एक ही व्यक्ति से तो युद्ध करूँगा। तो वो मान जाते हैं, वो भीम को चुनते हैं, गदा युद्ध को चुना, गदा युद्ध करूँगा। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है। गदा युद्ध होने के बाद भीम के साथ गदा युद्ध होने पर दुर्योधन भीम पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगा, क्योंकि दुर्योधन एक बहुत अच्छा गदाधारी, बहुत मजबूत व्यक्ति था और बहुत कुशल एक मल्ल युद्ध करने वाला व्यक्ति था। और आश्चर्य की बात यह है कि भीम 80 कहते हैं कि 80 हाथियों का बल भीम के अंदर था, उसके बावजूद भी दुर्योधन उस पर भारी पड़ गया। तो आप सोच सकते हैं दुर्योधन की वीरता, जो कि बलदेव का वो शिष्य था, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था,
वो साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। ये अलग बात है कि महाभारत में टीवी सीरियल में उसको किस तरह से पेश किया गया, लेकिन वो एक महान योद्धा था, इसमें कोई शक या कोई शंका किसी के मन में नहीं है। दुर्योधन ने वीरता से भीम के साथ युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को याद दिलाया कि तुमने प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन की जंगा तोड़ने की। तो जब युद्ध चल रहा था, दुर्योधन जब उसे भारी मारने लगा, तो उन्होंने जंगा की तरफ उन्हें इशारा किया। और गदा का नियम होता है, गदा युद्ध का नियम ये था उस समय कि नाभि के नीचे उसे नहीं मारा जाता। शायद उसका ये कारण ये हो सकता है कि गदा जो है हनुमान जी का रूप होती है, क्योंकि हनुमान जी जो बजरंगबली है उसका उसका रूप है, और स्वर्ण की बनती थी, लोहे की बनती थी, अभी भी नाभि के नीचे रखा तो उसका अपमान होता है। लेकिन भीम ने गदा युद्ध के नियमों को भंग करके उसने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। ये देख बलदाव बहुत कुपित हुए, दुर्योधन को सांत्वना दी। उसके पश्चात अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा ने दुर्योधन की हालत देखी तो अश्वत्थामा जी गुस्से से लाल हो गए और फूट फूट के रोए उसके सामने कि देख मेरे मित्र के साथ ये क्या हो गया। दुर्योधन भी ने कहा कि पांडवों ने छल से मेरे को मारा, और ये कहा कि तुमने अभिमन्यु को छल से मारा इसलिए हमने तुमको मारा। तो अगर उनसे एक भूल हुई, अभी अभिमन्यु के विषय में तो बहुत एक लंबी गाथा है, वो कभी आपको किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तब अश्वत्थामा जी गुस्से से उनके अंदर गुस्सा फूट पड़ा और बहुत जोर की गुस्सा है, उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा ली कि मैं इन पांचालों और इन पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा और मैं अपन पांडवों के सारे वंश को ख़त्म कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा लेते हुए फिर अश्वत्थामा जी वहाँ से निकले। दोस्तों, क्या अश्वत्थामा जी पांडवों का विनाश कर पाएंगे, क्या होगा, इस विषय पे हम अगले अध्याय में आपको बताएंगे। दोस्तों, अगला अध्याय इस पूरी कथा का अंतिम भाग होगा। अगले अध्याय में हम उस रहस्य का उजागर करेंगे जो आपको शायद कभी इतना सुनने को मिला ना देखने को मिला, कि अश्वत्थामा जी के संबंध में जितनी भ्रांतियाँ हैं अगले अध्याय में आपको ये सब क्लियर हो जाएंगी। तो अगला अध्याय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले अध्याय में आपको पता चल जाएगा कि अश्वत्थामा जी जब पांडवों के शिविर पर जब उन्होंने हमला किया था तो उस समय क्या कंडीशन थी, क्या उन्होंने छुपके वार किया था, क्या उन्होंने ऐसा क्या हुआ था उस वक्त, क्या अश्वत्थामा जी की जो मणि सिर में जो मणि थी उसके विषय में एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आपको मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले अध्याय में मैं आपके समक्ष फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।